हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट पीटर्सबर्ग के दो बहुत बेहतरीन वाले होटल्स के बारे में, जहां पे मैं खुद स्टे करने जा रहा हूं। और ये दोनों ही होटल्स में, जो पहला होटल है ये बहुत ही हाई एंड एंड लग्जरियस काइंड ऑफ होटल है, और जो दूसरा वाला होटल है वो बहुत बजट एंड ब्यूटीफुल होटल है। तो अभी जिस मैं होटल में हूँ, इस होटल का नाम है होटल बेलमोंट ग्रैंड, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में है। तो चलते हैं, पहले इस होटल को विजिट करते हैं। Wow, beautiful room. And these guys gave me a champagne bottle and chocolates as a welcome. Shh. We will open it later. Or city view hai. Wow, amazing room, right? बहुत ही अमेजिंग रूम है। वार्ड बोर्ड देखते हैं। इट्स टोटली 5-star प्रॉपर्टी, काइंड ऑफ 7-star। ये है वॉशरूम। Oh my God, रॉयल वॉशरूम, इसको कहते हैं रॉयल वॉशरूम। वाओ, तो ये था मेरा रूम यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में। कैसा लगा आपको? इट्स वेरी अमेजिंग। पैसे भी उसी टाइप के लगे हैं भाई, थोड़ा बजट में कट कर करके एक दिन स्पेशल होटल में रुके हम लोग, ताकि एक अच्छी वाली फील आ सके, यूरोपियन लग्जरी वाली फील विद द शैम्पेन बॉटल इन अ रूम इन अ हाउस एंड विद सम चॉकलेट्स। वी आर गोइंग टू हैव रॉक करेंगे रॉक। सो आई होप मजा आया होगा आपको ये रूम देख करके। बहुत ही प्यारा रूम है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, और बहुत अच्छा लगा मेरे को। चलते हैं फिर बाहर और थोड़ा सा होटल का टूर पार करेंगे। तो रात की एक बेहतरीन पार्टी के बाद अब समय हो गया ब्रेकफास्ट करने का, क्योंकि अभी मॉर्निंग हो चुकी है। तो हम लोग जा रहे हैं होटल के ही अजिया रेस्टोरेंट में अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे सुना है ब्रेकफास्ट में भी आपको शैम्पेन मिलती है, तो देखते हैं। या वहाँ पे रखी हुई है शैम्पेन, तो वाओ गुड है। और यहाँ का ब्रेकफास्ट बड़ा ही अमेजिंग है ऐसा सुना है, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या अवेलेबल है ब्रेकफास्ट में।
एंड एक अमेजिंग से ब्रेकफास्ट के बाद अब चलते हैं इस अमेजिंग से होटल का टूर करने के लिए। और यहाँ पे अब ख़त्म करते हैं होटल बेलमोंट के टूर को, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग लग्जीरियस और बहुत ही ब्यूटीफुल होटल था। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट होटल की तरफ, होटल अजीमत। और ये होटल अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल एंड बजट फ्रेंडली होटल है। एक सुंदर सी कैनाल के सामने ये होटल बना हुआ है और इसकी हाई राइज 18 फ्लोर की बिल्डिंग्स के रूम्स अलग ही व्यू देते हैं पूरी सिटी का, और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलता है इसके टॉप फ्लोर के रेस्टोरेंट से। यहाँ के आपको स्टाफ, होटल इतना नीट एंड क्लीन एंड इतना ब्यूटीफुल है, फूड इतना अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड ओवर देयर। तो चलते हैं, मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा टूर कराता हूँ। वी आर इन अजीमत और ये रहे अजीमत के रूम्स। टोटली होटल नॉन स्मोकिंग है, थोड़ा सा छोटा रूम है बट रियली अमेजिंग है। वॉशरूम है, शावर क्यूबिकल्स, छोटा सा वार्डबोर्ड, वार्डरोब, छोटा सा वार्डरोब, फ्रिज, लॉकर्स एंड टीवी। एंड ये रहा व्यू, वाव, 12th फ्लोर का रूम है एंड सच अमेजिंग व्यू। यहाँ से आप पूरा सेंट पीटर्सबर्ग देख सकते हो। वाओ वाओ वाओ, और ये है इस होटल में 18 फ्लोर पे बना हुआ रेस्टोरेंट, जो अपने आप में बड़ा ही ब्यूटीफुल है क्योंकि यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा होता है। इस रेस्टोरेंट में बैठने के लिए आपको इवनिंग के लिए पहले से टेबल बुकिंग करानी होती है। हम अपनी टेबल ही बुक कराने हैं, तब तक मैं आपको इस 18 फ्लोर से दिखने वाला पूरा सेंट पीटर्सबर्ग का नज़ारा दिखा देता हूँ। और ये है वो नज़ारा जो कि हमारे रूम से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बट ये थोड़ा हाई राइज से है। और ये व्यू है हमारे सेम रूम से पूरे सेंट पीटर्सबर्ग का रात के टाइम का। होप सो आपको ये बहुत पसंद आया होगा।
तो ये थी मेरी वीडियो उन दोनों होटल्स की जहाँ पे मैंने सेंट पीटर्सबर्ग में स्टे किया था। होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।